यूपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार की देर रात सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा सुरक्षा गार्ड सोते अवस्था में पाए गए। वहीं सदर अस्पताल में रात में 3 चिकित्सक ड्यूटी पर पाए गए। तेजस्वी यादव ने फिल्म नायक के अनिल कपूर की तरह एक्शन लिया। दवा काउंटर बंद रहने के साथ इमरजेंसी में ईसीजी मशीन नहीं रहने पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई। तेजस्वी के आने के करीब 20 मिनट बाद सदर अस्पताल पहुंचे उपाध्यक्ष को तेजस्वी ने लगाई फटकार। तेजस्वी यादव ने अस्पताल अधीक्षक हरि प्रसाद को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। कहा कि 40 से 50 डॉक्टर पोस्टेड हैं, जबकि रात में मात्र 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पर हैं। उन्होंने कहा कि कई सुरक्षा गार्ड रात में सोते पाए गए हैं, सुरक्षा कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। डॉक्टर सीएम तेजस्वी यादव रात करीब 1 बजे अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। तेजस्वी यादव को अचानक सदर अस्पताल में देख डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव निबंध काउंटर, दवा काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ओटी, एक्सरे सेंटर, डायलिसिस सेंटर, पीकू वार्ड, शिशु वार्ड आदि का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले तेजस्वी यादव निबंध काउंटर पर पहुंचे और काउंटर पर मौजूद कर्मियों से उनके सहयोगी ने कोरोना जांच के लिए पर्ची काटने को कहा। तेजस्वी यादव ने सभी वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। कई जगह पर कमी पाए जाने पर उपाधीक्षक को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान दवा काउंटर बंद रहने और डायलिसिस सेंटर के पास गंदगी देख तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।